हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं रोहित व्लॉग्स। सो गाइस, जैसे कि आज है संडे एंड आज है क्रिसमस डे, सो मैरी क्रिसमस टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। बस अभी मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट एंड आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ना मैंने हीटर चला रखा है। सो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ एंड मैं ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है पराठे हैं ट्राइंगल शेप वाले एंड साथ में है चाय, ये है थोड़ी सी शाही पनीर और ये है थोड़ी सी दाल। तो मैंने दोनों ही ले लिया क्योंकि दोनों ही थे एंड अभी मुझे सब्जी और भी बनानी है। अभी मैं जो है हाउस हेल्पर जो है कपड़े धो रही है एंड वो आलू मेथी भी काट रही है, आलू मेथी बनाऊंगी मैं बाकी एक सब्जी और बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड आलू मेथी नहीं खाते तो उनके लिए कुछ और बनाऊंगी। सो बस अभी मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंड जो भी मैं सामान लेकर आई थी ना कल, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी क्योंकि अभी हम थोड़ा सा सामान और लेने जाएंगे। तो देखते हैं मैं जाऊंगी या नहीं, या सिर्फ हस्बैंड चीकू को लेके जाएंगे। सो देखते हैं गाइस। सो चलो गाइस, थोड़ी देर में मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में एंड आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आलू मेथी बनाऊंगी। मैं यूजुअली आलू फ्राई करके बनाती हूँ, उसमें क्या होता है कि ऑयल ज़्यादा लगता है, बट मुझे आज था कि मुझे कम ऑयल वाला ही जो है आलू मेथी बनाना है, तो मैंने सोचा कि चलो आज हम नॉर्मल स्टाइल में बनाते हैं। ये भी काफ़ी टेस्टी ही बनता है, बस थोड़ा सा टेस्ट का डिफरेंस हो जाता है। तो जीरा डाल दिया है मैंने यहाँ पे, जीरा क्रैकर होने के बाद जो है मैंने लहसुन डाल दिया है, गार्लिक को हम अच्छे से भून लेंगे एंड साथ ही मैं इसके साथ में डाल दूँगी अनियंस। अनियन को भी मैंने बारीक कट करा था एंड इनको बस अच्छे से भूनने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे आलू। आलू को इसके साथ मिक्स करेंगे एंड साथ ही में हम डाल देंगे यहाँ पे मसाले। सो मसालों में हम रेगुलर मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया एंड गरम मसाला एंड मिर्ची पाउडर एंड मैगी मसाला मैं बाद में डालूंगी। सो यहाँ पे बस इसको आलू को जो है मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मेथी। सो आप देख सकते हो गाइस, मैंने दोनों को साथ में ही डाला है। सो मेथी को जो है अच्छे से मसाले के साथ और आलू के साथ मिक्स कर देंगे यहाँ पे एंड उसके बाद जो है मैं इसको लिड से कवर कर दूंगी क्योंकि गाइस क्या होता है ना, मेथी दब जाएगी, थोड़ा सा स्टीम में पकेगी ना तो वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो गाइज, मैं देखा मैंने कि आवाज़ आ रही है तो मैं यहाँ पे ना बैलकनी में आ गई थी। तो यहाँ पर एक्चुअली ये बचपन स्कूल है, सो वहाँ से जो है ये लोग सेंटा क्लॉज का जो है ये सेलिब्रेशन कर रहे थे, बच्चों के लिए ट्रॉफी वगैरह बांट रहे थे एंड यहाँ पे मीनवाइल मेरी आलू मेथी भी बनकर रेडी हो गई है। सो गाइज, अभी बस हम लोग जा रहे हैं मार्केट एंड सबने लंच कर लिया है, बस मैंने नहीं किया, हस्बैंड ने नहीं किया क्योंकि अभी हम लोगों को भूख नहीं, हमने ब्रेकफास्ट भी लेट करा था एंड मम्मी पापा को लंच करा दिया एंड हम आनवी को नहीं लेके जा रहे हैं बिकॉज हम नियर बाय वाली मार्केट में ही जा रहे हैं, बस चीकू को साथ लेके जा रहे हैं। सो अब जाते हैं मार्केट एंड चीकू को रेडी कर दिया है, शूज ठीक से पहन लिए हैं। चलो गाइस, ज़्यादा लेट नहीं करते क्योंकि फिर आनवी को अभी दूध पिला दिया है, बॉटल फीड एंड उसको सुला दिया है, वरना जिससे पहले वो उठे हम लोग वापस भी आ जाएंगे। गाइस, हम लोग बस अब निकल गए हैं, कार में बैठ चुके हैं एंड पता है क्या गाइस, एक मुझे ना बड़ा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि ना मुझे आनवी की आदत पड़ गई है, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आनवी भी हमारे साथ ही है, बट फिलहाल वो घर पर ही है, हम जान के उसको लेके नहीं आए हैं क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो चिकू को साथ लेके आए हैं and their husband. Hello guys, how do you do? Merry Christmas to everyone, to our YouTube family जो हमें देखती है हर वक्त, हमारा एक-एक क्या कहते हैं vlog देखती है, ये भी नहीं पता क्या देखते हैं पर देखते हैं जो भी हम चीज करते हैं। Hi guys, Christmas day. बोलो Merry Christmas. Merry Christmas guys. सो चलो गाइज, अब एक तो गला अभी तक नहीं ठीक हुआ, अब हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, मार्केट जाते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा माहौल है मार्केट में। गाइज, हम आ गए हैं मार्केट में एंड हमने कार भी पार्क कर दी है, सो अभी हम जा रहे हैं। यस, ब्लाउज इधर हस्बैंड और चीकू जा रहे हैं। ये फ्रूट मंडी ज्यादा बना रखी है साइड पे सारी, ये अच्छा लग रहा है ना है। सो गाइस, आप देख सकते हो क्रिसमस की वजह से कितना सारा सामान मिल रहा है ना,
इसको छोड़ दो छोड़ दो। वाला हेडी आया और ये टॉय नाले ऐसा हो सकता है? बच्चों को कभी नहीं लेके आना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। भीड़ भड़ाका भीड़ भड़ाका। ऑरेंज वाला नहीं पीना, ये वेजिटेबल वाला। क्या ताकत आ जाएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक तो आप छोटे बेबी की तरह गोदी में आ गए हो। नहीं अभी ये हाउस जाके अभी मैं उतार दूंगा नीचे। सो गाइस अभी हम जूस पीने आ गए हैं, देखते हैं ट्राई करके। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम पीने वाली हूँ वेजिटेबल वाला। सो गाइस मैं यहाँ देख रही हूँ जूस बनते हुए। कैसा है? बच्चे हो ऐसे गोदी में जाते हैं? पीछे बैठते हैं, पीछे बैठते हैं बेबी, बेबी पीछे बैठते हैं। मैं नहीं बैठने दूंगा, मैं नहीं बैठने दूंगा। ना 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 नो 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 नो। बस अभी हम लोग सामान लेके बस घर ही जा रहे थे, बट क्या हुआ कि हस्बैंड को भूख लगने लगी थी काफी तेज, क्योंकि मैंने तो एक रोटी खा ली थी आलू मेथी की सब्जी के साथ, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं खाया था। इन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था। तो यहाँ पे ना मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे ना ये सिंक पॉइंट करके है भाई, ना ये एक सिंक पॉइंट करके है। तो इनके राजमा चावल, कड़ी चावल, ये सब ना काफी टेस्टी होता है, हम काफी टाइम से खाते आ रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। एंड फिर यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे एक स्टॉल देखी गाइस, ये देखो यहाँ पे ये भैया चाय बना रहे हैं, और विंटर्स में चाय पीने के लिए। अभी जूस पी लिया था ना, तो उससे ना मेरे सर में थोड़ा सा दर्द सा होने लग गया। वैसे तो उन्होंने आइस वगैरह कुछ नहीं डाली थी, पर फिर भी ठंडा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। तो चलो अभी मैं अपने राजमा चावल खाती हूँ और साथ में चाय पीती हूँ। चलो गाइस मैं भी राजमा चावल खाती हूँ। yes! वो देखो वहाँ पे भैया चाय बना रहे हैं एंड हस्बैंड लेने चले गए। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ये, एंड ये हस्बैंड आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, और ये फाइनली आ ही गए। सीरियसली चाय बहुत टेस्टी है, मतलब इलायची का, लौंग का, अदरक का, सबका इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। इनमें भैया ने ना यहाँ पे अभी लगाई है, ये मैंने कभी पहले नहीं देखे हैं ये स्टॉल लगा के, तो काफी अच्छी चाय है। सो गाइस यार फाइनली हम लोग घर पे आ गए हैं, मतलब मुझे ऑलमोस्ट हो गया 15-20 मिनट्स घर पे आए हुए। पानी वानी पिया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर देती हूँ जो भी चीजें मैंने कल ली थी और आज मैंने ली है, आप नीचे दिखाओ। ये देखो ये यहाँ से बिल्कुल भी हिलने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ये सारा सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये बाबर कह रही है मम्मा मैं नहीं जाऊंगी इस रूम से, एंड मैंने डोर एक्चुअली बंद कर रखा है जिससे कि ज्यादा शोर ना आए, एंड एक्चुअली मेरी आवाज वहां ना जाए, क्योंकि दादू दादी के रूम में, मतलब मम्मी पापा के रूम में आंटी जो है सो रही है, इसलिए मैंने डोर बंद कर रखा है। चलो फिर नहीं लेट करते हैं, जल्दी से मैं दिखाती हूँ सारा सामान। तो कल जो मैंने लिया था गाइस, अपना हेडफोन दो सबसे पहले। तो एक मैंने ये लिया था, ये तो चिकू ने ना पहन ही लिया है, ये ना अच्छा होता है बच्चों के लिए ना, ऐसे ईयर जो है कवर हो जाते हैं ना, तो प्रोटेक्टिव रहते हैं, ठंड नहीं लगती है। तो एक तो ये लिया था, एंड बच्चों का होते ही गाइस इसने ना अपने स्कूल में देख लिया होगा किसी को कि मम्मा बच्चे मेरे फ्रेंड्स लगा कर आते थे, इसलिए इसको ये चाहिए था, तो ये लिया है मैंने इसके लिए।
और एक मैंने ना एक्चुअली ये तो मैंने लेने ही थे इसलिए इसने तो नहीं बोला था बट ये मेरे को लगा कि जरूरत है क्योंकि क्या होता है ना बच्चे ना पूरा दिन देखो हम तो फिर भी इतना नहीं भागा दौड़ी करते हैं बच्चे बहुत भागते हैं और उनको ठंड लगने के चांसेस होते हैं तो इसलिए मैंने उसके लिए ये बनी वाली तो ऐसी जो घर में पहनने वाली स्लीपर्स होती है ये ही है ये देखो काफी अच्छी है बहुत सॉफ्ट है और मैंने चिकू के लिए ये रबर बैंड्स लिए हैं वाइट एंड ब्लैक में क्योंकि मैं इसकी दो चोटियां करती हूँ ना टू पोनीज तो काफी अच्छी लगेगी ये एंड ये स्कूल के लिए रेड कलर का हेयर बैंड लिया है क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि मैं इसकी चोटी नहीं बनाती तो फिर हेयर बैंड लगा दूंगी और एक इसके लिए मैंने ये सेंटा क्लॉस वाली कैप ली है चलो ये तो पहन आओ तो ये चिकू ने देखो पहन लिया हाय कर दो हाय गाइस एंड एक गाइस ये मैंने अपने लिए लिया ये मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा था मतलब देखते ही मुझे पसंद आ गया था सो एक ये मैंने अपने लिए इस देखूंगी ऐसे की स्वेटर है काफी लूज था है ये ऐसे स्लीव्स है इसकी तो ये मुझे काफी अच्छा लगा बहुत वार्म है गाइस बहुत वार्म सो एंड सॉफ्ट भी है तो ये मैंने ये लिया और मैंने दो अपने नेल पेंट्स लिए ये देखो ये 80 रुपीस की चाहिए भी 80 की ये भी 80 की है ये तो कल ये तो आज लिया ना हम अभी कल का सामान दिखा रहे हैं ये देखो ये कलर्स काफी अच्छे लगे थे मुझे एंड एक्चुअली मेरे बापू मेरा कुछ है नहीं था कल वो जो 10 रुपीस वाली जो भैया रेडी पे नहीं लेके घूम रहे होते हैं चीजें सौंफ वगैरह जेली ये सब तो मैंने अपने लिए ना ये दी थी ये मतलब वो है हाजमोला टाइप काफी अच्छी है चिकू के लिए भी लिया था चिकू के लिए जली ली उसने वो खाली कर ली तो ठीक है गाइस ये हो गया जो सारा सामान मैंने कर लिया था और जो आज लिया है वो है ये सब ये मैंने लिए हैं आर्मी के लिए सॉक्स काफी वॉर्म है गाइस ये बहुत मोटे हैं पता है क्योंकि अभी जो मैं उसको पहना रही ना वो है पतले तो मैंने ये लिया है मतलब ये 100 का एक है नहीं अभी नहीं ये 100 का एक पेयर है तो काफी अच्छा भी है क्वालिटी भी काफी अच्छी है एंड गाइस मेरे को एक्चुअली प्राइस जो मुझे लग रहा है बताना मैं बता रही हूँ बाकी मुझे कुछ याद भी नहीं है जैसे हाँ मैं ये बताऊँ ये मैंने 350 के लिए एंड ये 250 का है और ये तो 80 ईच मेरा स्वेटर जो है 450 का है और ये हेयर बैंड 50 रुपीस का है एंड ये कैप भी 50 रुपीस की है ये सब और ये रबर्स ये आई थिंक ये भी कुछ 100 या 80 कुछ था ये कुछ ऐसे था और ये मैंने लिया है ये चीकू के लिए ये ट्राउजर है काफी अच्छा है वॉर्म है बहुत अच्छा है ये देखो एक ये लिया है एंड ये अभी मैं लेके आई हूँ आज जो मैं चीज दिखा रही हूँ एंड एक ये लिया है मैंने इसके लिए ये भी देखो ये अंदर से ना देखो इस तरीके से बहुत वार्म है बहुत वूलन में है ये एक ये लिया है ये है ये भी 550 का है और ये भी 550 का है तो ये काफी अच्छे लगे थे मुझे तो इसलिए ये मैंने लिया एंड गाइस पता क्या ये जो कल शॉपिंग करी और आज शॉपिंग करी ना ये हो रही है क्योंकि आनी तो अभी छोटी है तो उसको इतना समझ है नहीं उसके लिए जो मुझे ठीक लगा मैंने ले लिया जो भी रिक्वायर्ड है ये चीकू के लिए हो रही है क्रिसमस शॉपिंग एक्चुअली कल इसके डैडी ने करवाई थी ये सारी शॉपिंग एंड आज इसके ये दादू ने जो है बोला था कि इसके लिए कुछ भी क्रिसमस के लिए शॉपिंग कर लो तो ये आज इसके लिए सारी क्रिसमस की शॉपिंग हुई है एंड इसने ये जबरदस्ती दिया है मैं इसको ये दिलाने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी लेकिन बच्चों का क्या होता है ना कि वो बाहर जाएंगे तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए तो ये है 250 की ठीक है नाउ हैप्पी यस तो गाइस ये था सारा सामान जो मैं कल और आज लेकर आई हूँ अपने लिए तो ऐसा हो कि मुझे वो स्वेटर अच्छा लगा तो मैंने ले लिया अदरवाइज मैंने सारी शॉपिंग ऑलमोस्ट चीकू की ही करी है क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड भी थी करनी एंड प्लस एक तरीके से मैंने इसके लिए क्रिसमस के लिए शॉपिंग करी है कि बेबी खुश हो जाए मेरा अभी बनाती हूँ तो चलो गाइस अभी ना मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे क्योंकि मुझे भी चेंज करना भी मैंने चेंज नहीं किया है बाकी देखती हूँ चेंज करती हूँ या नहीं बस अब मैं थोड़ी देर ना रेस्ट करना चाहती हूँ फिर मैं चाय बनाऊंगी मस्त सी अदरक वाली मम्मी पापा के लिए और अपने लिए
चलो फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ गाइस। मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों को ना ये सारा सामान दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे से ज्यादा क्यूरियस थी शिकू, उसको ये था कि मम्मी हम कब सारा सामान दिखाएंगे। तो फिर मैंने सोचा यार चलो दिखा देते हैं, चलो बाय कर दो, ऐसे करते हैं, ऐसे करो, बाय गाइस। ट्राइपॉड के साथ मैं तो देख रहा हूँ। चलो जाओ अंदर रूम में। आज था क्रिसमस डे, सो सोचा कि चलो बाहर से कुछ खाने को मंगवा लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आए हैं लच्छे पराठे हैं, इसमें शायद देखते ठंडे हो जाएंगे। यार गाइस पहले मैं इनको कवर कर देती हूँ। एंड इसमें ये है चाप, ये है सैलेड चटनी, माय फेवरेट चटनी, ये चाप के साथ तब बहुत अच्छी चटनी मिलती है। ये मूली का सलाद भी लाया चपाती इसके साथ, क्योंकि अलग अलग शॉप से दोनों चीज़ें आई हैं। तो चलो मैं डिनर सबको सर्व करती हूँ, देन उसके बाद खाते हैं एंड इन्जॉय करते हैं। आपको आएगी नहीं ले जाओ क्या? Happy Christmas, Merry Christmas. गाइस ये था हमारा क्रिसमस डे सेलिब्रेशन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का मेरा व्लॉग। सो थ्रू आउट द डे जो भी हमने किया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड गाइस स्पेशली हम ये क्रिसमस सेलिब्रेशन इसलिए करते हैं जिससे कि चीकू इंजॉय कर सके, एंड बच्चों के साथ क्या होता है कि हम बड़े भी इंजॉय कर लेते हैं। सो आपने देखा ही होगा। सो बस यही था गाइस मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड ये आनवी का भी फर्स्ट क्रिसमस था। वाव देख लिया गाइस ने। गाइस से पूछो कैसा लगा? ये मैजिक है पता गाइस, ये मैजिक है, मैजिक। चलो गाइस हम इस व्लॉग को करते हैं पे एंड, एंड मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। सो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू। एंड गाइस जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक शेयर करना। सो चलो बाय बाय। बाय बाय।